भगवान शंकर के पास है
सीधी नहीं नमस्ता। बहुत गर्मी है। सीता माता पार्वती बहुत अजीब हो जाता है। वासुकीनाथ की केचुली में लपेट कर रखती थी। हम की ऐसी अवस्था, हम की ऐसी अवस्था संभव। अरे भूत चलक जल्दी बदला, यह धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसकी सूरत बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। अरे जितना है तेरा राज पृथ्वी पर, सब लौट पलट कर डालूंगा। श्री धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। उसने ऐसा कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा प्राप्त रहे गुरु, वह कब किससे डर सकता? जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही है कर सकता। हे राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो भैरी सम कार्य करे, वह स्पर्शे का भोजन है। राम हुआ है पातु इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आई इनका है चार की धारी में। स्वामी स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। रे मीठे गन्ने को ही देखो तो गोलू में तेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे, तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहरा है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही। यह विष हम ही ने बोला है। जो करना है तो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो स्वामी कभी ना इतना रिसिया है। इस धनवे में क्या लाल लगे तो स्वामी इतना कर भाई। अरे राजा के लड़के, क्या तुम हमको नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे यू आके लाल निकाल रहा। अरे श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे कोदंड को दंड भरा क्या छोटी छोटी रमनी का सम है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। अब बालक क्या हुआ तुझे, कपाल काटता जाता है? अरे क्या नौतारी ब्राह्मण है समझा, जब मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अरे भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस फूली परसे ने सोनी की नदी बहा दी है। अरे इस आर्य भूमि में अनेकों बार छत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु तक के उस दंड काटने वाला है। अरे इस परसे को तू भी निहार, जो तेरा रक्त चाटने वाला है। बस जी एक ही परसे से शूरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही बरसाते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र
नेत्र आपका गुठल है, बरसे में नहीं वह प्रबलता, जो बूढ़ी वह निमेबल है। ये बूढ़ा पड़ता दिखलाकर क्या क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए दबे खा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने के मुठा जाए। बड़ों से हाथी छोड़ अन्य रुलाएगा फरसा, रेत कर देगा खट्टे का कभी बस सोच चखाएगा फरसा। अरे तू बच्चा है बचा ही है जो मुझसे डरकर मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस ये लड़कपन करता है। श्रीमान हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दांत नहीं जो तुरसी से तुरछा जाए, पर हाँ डर है परसे की ज्वाला से कयोर बाल आ जाए। अपराधी आप इसे बाला जान का क्षमा कर दीजिए। अपराधी के वास्ते कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज आप जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई जब दही भिलो बैठे तो घी निकालने आए हैं। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए इन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने ही अपने आगे तुड़ वह डाला। अब कहो कौन होते हो आप जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे हुए इस धरुआ पर जी भर कर रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं तर होने आए हो। अरे जो पिता किरण से उत्पन्न हुआ, जब माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण पड़ी हार, फिर एक बार खुजलाता है, इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अरे अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जो बने इमारत वर्षों में पल भर में वो गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर ना लगती है। ये गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का हम जब खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। छोटा है टीचर खाटा है, अरे सोने के लोटे में भी से है जो दूध मिलाकर खाटा है। अरे शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का, अरे रनिवासों में ही खेला है मुख देखा नहीं रणस्थल का। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं इन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा गुरु का ऋण तो उसको भी भुगता दूंगा, अरे ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। बहुत कर चुका है काट, धिक्कार भुजाओ पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा मेरा जो
ठहरी है मुनिराज। आप तो ज्ञानी और ज्ञानी पुरुष बच्चों की बातों का बुरा नहीं माना करते। आप इसे बालक जानकर क्षमा करो। हे मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूं। पर देखो देखो उसकी मुस्कुराहट, करती विदीर्ण यह छाती है उसकी, वो व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको अभी तो कुछ शिक्षा दो, सब मुझको ही समझाते हो। मेरी इन आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो छाती पर हाथ मले जाओ। बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि ढेर छार ही भाती है तो और व्याकार सुना डालो। और लड़का फौत हो जा। ठहरी मुनिराज, ठहरी। हे मुनिराज, अपना दासों का रक्त पिए मैं ताप अब कब बरसे? मेघराज हमारी गर्दन तो छाया में है अब बरसे। दर्शक साथियों से अनुरोध है डबल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर सहयोग करें, ये एक व्यक्तिगत प्रयास है। धन्यवाद डबल न्यूज की तरफ से अनिल अत्री। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। श्री धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रहकर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब बस उसे मार ही डालूंगा। हे राम, हे राम, यही सोचा है अब। यह क्या, क्यों पांव न आगे बढ़ता है? परसा पहाड़ हो गया मुझे, अब क्या उठाए न उठता है। देखना संभलना सावधान, कहीं मूरत होकर ना रह जाना, कहीं ऐसा ना हो मंदिर ही बन जाए आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। भगवान भगवान यदि स्वीकार करे तो यह हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा हूं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वैसा है कर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चलाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम
आप में और मुझ में। सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पे है परशुराम और राम नाम तो चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। आप कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना लड़ते जाते हैं प्रभु उतना चिढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा प्रभु, वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अतिरिक्त छेड़ता है कोई तो मोड़ नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रघ रणमते खोलने लगता है। कि वो सम्मुख काल भी वो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिख रहा है, इससे कभी ना हम डरते हैं। पर हां, एक शस्त्र तुझ पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना ही लोहे का है, फिर वो ही ना साथ में रहता है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। बदला दे वो क्या है कहिए, जिसका हमको अब भी डर है। देखिए नीचे को, वो तो इन चरणों की ठोकर है। बस एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि इसका करें प्रयोगार्थ तो ये वक्त स्थल भी हाजिर है। है यह क्या? लगता है भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव रूप धारण कर लिया है। क्यों ना मैं उमापति के धनुष को देकर अपने संदेह को दूर करूं। हां यही उचित रहेगा। राम लो, राम उमापति का यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संशय को दूर करो। राम देत चाप पुने ही चल गया हूँ, देत चाप पुने ही चल गया हूँ। परशुराम मन विस्मय भय हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। बने सियावर रामचंद्र की।